नमस्कार बच्चों, आज हम क्लास सिक्स में अगली इकाई इकाई नंबर 5 के बारे में समझेंगे, प्रारंभिक आकारों को समझना। इसमें आपके जो पहली अभ्यास है 5.1, इसमें आपको रेखा के बारे में बताया गया है। अब पहले आप तीन चीज़ें समझ चुके हैं, रेखा क्या होती है। रेखा दोनों तरफ चलती है, इसको रेखा बोलते हैं, और किरण, इन दोनों में क्या अंतर है चित्र के माध्यम से समझेंगे। ये किरण है, किरण है। किरण में क्या होगा, एक स्टार्टिंग बिंदु होगा यानी जहाँ से वो बनेगी, लेकिन उसका दूसरी साइड जो होगी वो अंत होगी यानी चलती रहेगी जहाँ तक। जैसे सूरज की किरणें होती हैं, सूरज से आती हैं, ज़मीन पे भी गिरती हैं और समुद्र के अंदर भी जाती हैं। इसी प्रकार रेखा, रेखा का सबसे बढ़िया उदाहरण है रेल की पटरी। रेल की पटरी आप देखोगे वो चलती रहती हैं और समांतर रेखाएँ होती हैं दोनों। इसके बाद हम रेखा के भाग को ही पढ़ते हैं रेखाखंड में, यानी रेखाखंड कहलाएगा ये, जिसके दोनों अंत्य बिंदु होंगे, जो लंबाई दे रखी होगी उसके दो सिरे होंगे और दोनों के नाम होंगे ए और बी। जबकि रेखा, ये ए लिख दी हमने, रेखा हो गई। किरण में भी एक स्टार्टिंग बिंदु होगा और एक अंत्य बिंदु होगा। इस तरह से ये तीन चीज़ें आप पहले भी समझ चुके हो। अब इसी पे आधारित आपके अभ्यास प्रश्न होंगे, उनको आपको हल करके दिखाना है। जैसे पहला क्वेश्चन है, रेखाखंड ए बी खींचिए। एक रेखाखंड खींचना है ए बी, इसमें कोई लंबाई नहीं दे रखी है। ए बी पर बिंदु सी लीजिए, यानी ए बी के ऊपर एक बिंदु सी लेना है। वो बिंदु सी क्या करेगा, माप कर दिखाइए कि ए बी बराबर ए सी प्लस बी सी। अब आप देख रहे हो ए बी को दो भागों में बांट दिया है, ए सी और बी सी बी। इसका मतलब सी बिंदु जो है वो दोनों के लिए कॉमन है और ये कहीं ना कहीं इनके मध्य में रहा होगा। तो हम एक लाइन खींचेंगे, लंबाई नहीं दे रखी है, अपने आप हिसाब से ले सकते हैं आप, 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। तो लंबाई आप अपने अनुमान के अनुसार ले सकते हैं। ये हमने लाइन ले ली है, ये वाला बिंदु हो गया इसका ए और ये बिंदु हो गया अंत्य वाला बी। अब सी बिंदु जो है वो कहाँ पर होगा, लगभग बीच में होगा, ये होगा सी। तो ये चीज़ माप कर दिखानी है, जो ए से लेकर सी तक की दूरी है और दूसरी दूरी हो गई सी से लेकर बी तक की। तो ये बात हमारी सिद्ध हो रही है। अगर ये 2 सेंटीमीटर होगी तो ये भी कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर होगी। तो इस प्रकार ए बी बराबर ए सी प्लस सी बी, यानी 2 इसका ये हो गया, 2 ये हो गया, दोनों को जोड़ के कितना आ गया, ए बी की कुल लंबाई कितनी है, 4। इस तरह से हम इसको सिद्ध भी कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं कि इन दोनों का योग जो है ए बी के बराबर आ रहा है। अब अगला क्वेश्चन है, रेखाखंड ए जी के मध्य बिंदु बताइए। ए जी एक रेख लाइन है, क्वेश्चन का ही भाग होगा, इसमें बिंदु दे रखे होंगे ए बी सी डी ई और इसके बाद एक जी बिंदु दे दिया होगा। तो आप देख रहे हो जी, यहाँ पे कर लीजिए जी। अब आप देख रहे हो इसमें सी जो है वो मध्य बिंदु है, क्यों, ए बी दो बिंदु के बाद दो बिंदु इधर आ रहे हैं, दो बिंदु इधर आ रहे हैं, ये सब दूरियां इनकी समान होंगी। तो मध्य बिंदु जो होगा इसका सी होगा, मध्य बिंदु सी है। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित लंबाई की रेखाएं खींचिए। इसमें तीन मापें दे रखी है, तीन क्वेश्चन है। पहला है ए, जिसमें आपको 5 सेंटीमीटर की स्केल में जो आप लाइन खींचोगे, जहाँ पर 0 होगा और जहाँ पर 5 आएगा वहाँ पे आप निशान लगा देंगे इस तरह से और उन दोनों को मिला देंगे। तो ये हो गई हमारी 5 सेंटीमीटर की रेखा, हो गई। इसका नाम ले सकते हैं ए और बी। इसी प्रकार दूसरा आ जाएगा बी, ये वाली रेखा इससे बड़ी होगी क्योंकि दशमलव 5 इसमें ज़्यादा है मान। इसमें क्या करेंगे, फिर 0 पे निशान लगा देंगे और ये वाली रेखा थोड़ी सी इससे बड़ी होगी, लगभग आधा सेंटीमीटर। इसका नाम दे देंगे, इसको भी ए भी ले सकते हैं। जब रेखा गणित के सवाल करते हैं तो उस समय इनके मान लिखने जरूरी होते हैं जो रेखा आपने खींची है। इसी प्रकार 4.6 क्या होगी, इन दोनों रेखाओं से छोटी होगी, 4.6 ए बी, ये तीसरी रेखा हो गई, लेकिन इसका मान कितना है, 4.6 सेंटीमीटर। तो इस अभ्यास में आपके इसी तरह के क्वेश्चन होंगे, किसी में रेखा खिंचवाएगा वो, किसी में मध्य बिंदु पूछेगा और
सिर्फ रेखा के ऊपर आधारित है। ये रेखाएं आप पेंसिल से ही बना सकते हैं और पेंसिल, लेकिन स्केल की सहायता ज़रूर लेनी है, बिना उसके आप लाइन नहीं खींचेंगे। अब देखिए अगली जो अभ्यास आएगी आपकी 5.2, इसमें दो प्रकार के सवाल होंगे, एक तो घड़ी के ऊपर आधारित होंगे, दूसरे दिशाओं के ऊपर होंगे। घड़ी वाले में क्या है, आप देख रहे हो घड़ी इधर को जब चलते हैं, घड़ी की दिशा आप सब जानते हैं, ये क्लॉकवाइज कहलाती है, यानी घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा अगर सवाल में लिखा होगा घड़ी की दिशा में चलना है तो इस तरह से देखेंगे, और जब घड़ी के विपरीत में गएगा तो इसके विपरीत दिखाएंगे, ये होगा एंटी क्लॉकवाइज। ये घड़ी की विपरीत दिशा कहलाएगी, घड़ी की विपरीत दिशा। तो इसमें भी क्या आपसे कोण पूछेगा, मान लीजिए घंटे वाली सुई पहले 12 पे थी, 12 से वो चलते चलते 3 पर आ गई, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो कितने अंश का बनेगा या कितने डिग्री का बनेगा। तो इसमें सुइयों के बीच में बनने वाले कोण को आप बताएंगे। घड़ी आप देख रहे हो व्रत को दर्शाती है, व्रत के अंदर कितने डिग्री का कोण बनता है, पूरा 360 डिग्री का। अब इसकी चार स्थिति देख लेंगे हम, जैसे 12 से चल के 3 पे आ गई तब यहाँ पर हो गया 90 डिग्री का कोण, और 3 से चल के फिर ये किस पे आ गई, 6 पे आ गई, तो यहाँ पर भी ये कितना बढ़ गई आगे, 90 डिग्री के अंश से बढ़ गई आगे, और 6 के बाद फिर आगे चल के वो 9 पर आ गई, तब भी ये 90 डिग्री का अंश बन गया यहाँ पे, और 9 से चल के फिर दोबारा ये अपनी पुनः स्थिति में आ गई, तब भी यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन गया। तो इस तरीके के सवाल आपकी घड़ी के ऊपर आधारित होंगे कि इतना सुई पहले जिस नंबर पर दे रखी होगी उससे वो बताएगा कि अगले इस नंबर पर आ गई है, तो इन दोनों के बीच में कितने अंश का कोण बन गया है। तो दो दिशाएं ध्यान रखनी है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अगला सवाल जो होंगे दूसरे तरीके के, वो होंगे दिशाओं के ऊपर, उसमें वो कहेगा आप उत्तर की तरफ मुंह करे खड़े हैं और 90 अंश घूमने के बाद आपका मुंह किधर होगा। तो 90 अंश कहाँ दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, 90 अंश घूमने के बाद हमारा मुंह अगर इधर था तो वो इधर आ जाएगा पूरब की दिशा में, और दो समकोण घूम जाएंगे तो हमारा मुंह किधर हो जाएगा, दक्षिणी दिशा में। दिशा वैसे ही चलेंगी जैसे इसमें है कि वो कहेगा दाईं तरफ, तब हम उत्तर की तरफ मुंह है और दाईं तरफ चल रहे हैं तो इधर आएंगे, या घड़ी के अनुसार क्या देगा, वो घड़ी की दिशा में चलना है या घड़ी की विपरीत दिशा में चलना है। दिशा आपको ध्यान रखनी है, कॉपी पे जब करेंगे तो ऊपर नॉर्थ होगा यानी उत्तर, और उसके नीचे जैसे नक्शे में पढ़ते हैं हम भूगोल में, उसमें नीचे साउथ होगा दक्षिण, और दाईं तरफ पूरब हो गया और बाईं तरफ हमारे पश्चिम हो गया। इन दोनों पर आधारित आपके सवाल होंगे जो करके देखेंगे आगे। अब देखिए क्वेश्चन ये, जैसे बताया था आपको घड़ी के घंटे वाली सुई एक घूर्णन के कौन सा भाग यानी भिन्न घूम जाती है जब वह, अब इसमें आपको भिन्न बतानी है कि कितने भाग वो घूम गई, 7 से 10 तक पहुंचती है। पहले सुई कहाँ पर थी, 7 पे थी, और कहाँ पहुंच गई, ये 10 पे पहुंच गई। तो अब इसमें देखेंगे हम मिनट, घड़ी में आप जानते हो एक घंटे पे कितने मिनट हो गए, 60, और यहाँ पर दो अंकों के बीच में 5 मिनट होते हैं, 1, 2, 3, तो ऊपर होगा इसमें 7 से 10 तक आने में 15 मिनट, और बटे पूरे घंटे में 60, इसे काट देंगे 15 चौके 60 बराबर 1/4 भाग वो घूम जाएगी 7 से 10 तक आने में। इसी प्रकार अगला है 3 से 9 तक पहुँचती है, तो इसमें फिर देखेंगे दोबारा से 3 से 9 तक, इस बार जो सुई है घंटे की पहले कहाँ थी, 3 पे थी, और 3 से कहाँ पर आ गई, 9 पर आ गई, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये हो गए 30/60, काट देंगे इसे 3 × 3, 3 × 6 बराबर कितना हो गया 1/2 भाग 1 से 10 तक, 1 से 10 तक कह रहा है वो, 1 पर थी कहाँ गई, 10 पर आ गई, पहली स्थिति घूमी कहाँ पर है, इस साइड में है ना, घूम जाती है, तो कितना हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9×5 45, 45 मिनट ऊपर हो गए, और 1 घंटे में 60 मिनट इसे काट देंगे, 15 × 3 = 45, 15 × 4 = 60 बराबर 3/4 भाग। इस तरह से घड़ी वाले सवाल में इसमें भाग पूछा है इन्होंने। अब दिशाओं वाले सवाल में देखेंगे, पूरब की दिशा में देख रहे हैं, अब इधर आपका मुंह है पूरब की तरफ, जैसे हमने बताया था पेपर पे पूरब में आपका मुंह इधर होगा, ये हो गया, और घड़ी की दिशा में 1/2 घूर्णन करें,
तो कौन सी दिशा आ जाएगी। अब एक बटे दो कहाँ आएगा, एक बटे दो ये हो गया, एक बटे दो घूर्णन कर रहे हैं तो कौन सी दिशा आ जाएगी, ये यहाँ पर था हमारा नॉर्थ, यहाँ था साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट, उत्तर ये हो गया हमारा दक्षिण। इसमें आपको सिर्फ दिशा बतानी है। अगला है पश्चिम की ओर, पश्चिम हमारा इधर है और पूरा हमारा इधर आ गया, नॉर्थ हमारा ये हो गया और साउथ ये हो गया। अब इस बार जो मुँह है अगले क्वेश्चन में, ये पश्चिम की ओर, घड़ी की विपरीत दिशा में, जब घड़ी की विपरीत दिशा में चलेंगे तो इस तरह चलना पड़ेगा, तीन बटे चार, एक बटे चार ये हुआ, दो बटे चार और तीन बटे चार, तो मुँह किधर आ जाएगा हमारा, उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में, और ये था दक्षिण दिशा में। तो इसी प्रकार के सवाल आपके इन तीन अभ्यास में, पाँच दशमलव एक दो और तीन, ये पीडीएफ के माध्यम से आपको भेज दिया जाएगा। इनको सिर्फ समझना है, उत्तर कोई हल ज़्यादा नहीं करना है। इसमें घड़ी वाले सवाल में घड़ी का ध्यान रखना है और नंबरों का ध्यान रखना है कि सुई घूम के कहाँ पहुँचेगी। दिशा वाले में दिशा का ध्यान रखना है, घड़ी की विपरीत में चलना है या घड़ी की दिशा में चलना है, और आप कॉपी में इनको सही से कर लेना सवालों।